हेलो एवरीवन, ग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है एडी मींस एड डिसिप्लिन। एडी को प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स भी कहा जाता है। इसे हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं एडी के बारे में। 1980 में फोर्ड मोटर कंपनी ने इस मेथोडोलॉजी को डेवलप किया था। इसको हम टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एडी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसे हम क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो गोल होता है, प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेनमेंट एक्शन लेना, और दोबारा सिमिलर प्रॉब्लम ना आए उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि व्हाट इज एडी। एडी क्या है? एडी एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, करेक्ट करता है, एलिमिनेट करता है, जिससे कि सिमिलर प्रॉब्लम दोबारा ना आए। इसे हम एडी कहते हैं। आइए जानते हैं एडी कौन कौन से हैं। जो डी नॉट है, प्लान, D1 टीम फॉर्मेशन, D2 प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, D3 कंटेन द प्रॉब्लम, D4 आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई रूट कॉज, D5 करेक्टिव एक्शन, D6 वैलिडेट करेक्टिव एक्शन, D7 इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शन एंड D8 कंग्रेचुलेशन योर टीम। दोस्तों आइए जानते हैं डी नॉट क्या है। डी नॉट प्रिपेयर एंड प्लान। इसमें हम सिम्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ज़रूरत होती है तो उस पर हम कंटेनमेंट एक्शन लेते हैं। D1 टीम फॉर्मेशन एंड टीम सिलेक्शन। जब हम टीम बनाते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट्स है, टीम में कॉम्पिटेंट लोग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स है, क्रॉस फंक्शनल टीम तैयार करना चाहिए जिसमें हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तीसरा पॉइंट्स है, टीम वर्क कोऑर्डिनेटेड और गाइडेड होना चाहिए। चौथा पॉइंट्स है, जिन लोगों को प्रोडक्ट और प्रोसेस की नॉलेज हो उन लोगों की टीम बनाना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं D2 के बारे में, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉब्लम डिफिनेशन। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ताकि रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। जब हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं तो वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई अपना ओपिनियन नहीं होना चाहिए। D3 कंटेनमेंट एक्शन या कंटेन द प्रॉब्लम। इसे हम शॉर्ट टर्म एक्शन भी कहते हैं। दोस्तों जब भी प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कंटेनमेंट एक्शन लेते हैं जब तक कि हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर लें। कंटेनमेंट एक्शन कस्टमर को प्रॉब्लम से बचाता है। जब तक कि हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई और परमानेंट करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर लेते तब तक हम कंटेनमेंट एक्शन लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, D4 आइडेंटिफाई रूट कॉज एनालिसिस। इसका मतलब हुआ प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच का यूज़ करते हैं, जैसे फिशबोन डायग्राम एंड फाइबर एनालिसिस एंड 7QC टूल्स। इस टूल्स की हेल्प से हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। आइए जानते हैं D5 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब हुआ जो हमने प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया है उस रूट कॉज पे हम करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, D6 वैलिडेट परमानेंट करेक्टिव एक्शन। अगर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर उसके बावजूद प्रॉब्लम रहती है तो आपको अपने एक्शन को ठीक करने की ज़रूरत हो सकती है और न्यू रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से रीअनालाइज करना चाहिए। D7 इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शन। इसमें हम बचे हुए पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर में एक्शन लेते हैं और मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, प्रोसीजर को मॉडिफाई करते हैं जिससे कि सिमिलर प्रॉब्लम दोबारा नहीं आ सके। ओके फ्रेंड्स, D8 कांग्रेचुलेशन टीम या टीम रिकॉग्निशन। इसका मतलब यह हुआ जब सक्सेसफुली प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैनेजमेंट के द्वारा टीम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है और कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाता है जिससे कि वो फ्यूचर में और भी अच्छा काम कर सके और मोटिवेट रह सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।